वेलकम टू माय चैनल, माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल अलग तरह का चटपटा नाश्ता। इसको बनाना बिल्कुल आसान है और बच्चे बड़े बूढ़े सभी पसंद करेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मूली ली हैं। इनके आगे पीछे के पार्ट को हटाकर इनको अच्छे से धो के छील लेंगे और कद्दूकस करेंगे, और जो ये पत्ते हैं मूली के इनका भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, इसलिए इनको फेंकना नहीं है। ये देखिए, अब मैं आगे दिखाती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और बेल को प्रेस करना ना भूलें। बेल को प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये देखिए, मूली को कद्दूकस करके उसके ऊपर एक चम्मच नमक डाल के कुछ देर के लिए रख दिए हैं, और तब तक हम अपने जो मूली के पत्ते हैं उनकी कटिंग कर ली है, और एक मिक्सी जार लेके सभी पत्तों को उसमें डाल दिया है। चार पांच हरी मिर्च डाली है चटपटा करने के लिए, एक इंच अदरक का टुकड़ा, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, इस तरह से बना लेना है। पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और जो हमारे मूली कद्दूकस करके रखी थी नमक डाल के, उसने पानी छोड़ दिया है। नमक डालने से पानी छोड़ देती है कोई भी चीज़ हो, तो अब हम उसको निचोड़ लेंगे। तो उसके अंदर पानी होता है ना एक्स्ट्रा, वो निकाल लेना है। अगर हम उसको पानी को रखेंगे तो स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, इस तरह से सारे पानी को निचोड़ लेना है। और एक चम्मच डाली है मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। नमक तो हमने पहले डाला ही था, अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक चम्मच डाला ना, और नमक तभी डालें जब हम रोटी के अंदर स्टफिंग करेंगे ना, उसी वक्त नमक डालना है, नहीं तो ये फिर से पानी छोड़ देगा अगर थोड़ी देर पहले नमक डालेंगे तो। और ये देखिए, इस तरह से पूरे मिश्रण के लड्डू से बना लेने हैं, ताकि रोटी के अंदर भरते वक्त आसानी रहे। ये देखिए, आज हम मूली के चटपटे स्वादिष्ट लाजवाब पराठे बनाएंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने से ही पता चलता है कौन सी चीज़ किस वक्त डाली है। और यहाँ पर मैंने परिवार के हिसाब से आटा लिया है दो कटोरी, थोड़ा सा नमक डाला है, और अजवाइन डाली है। अजवाइन ज़रूर डालें अगर है तो, यह खाना पचाने का काम करती है। और जो मूली के पत्ते हमने पीस के रखे थे ना, उनको भी हमने आटे में डाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक नरम सा आटा लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही लगाना है। ये देखिए, मैंने लगा लिया है आटा, और मोटी मोटी लोई लेंगे, मतलब एक रोटी से ना ज़्यादा आटा लेना है। जैसे पतली रोटी खाते हैं, उसकी दो रोटी के हिसाब से आटा ले लेना है। और इस तरह से लोई बना के पहले तो सूखा आटा लगा के थोड़ा सा हाथ से चलाएंगे, इस तरह से एक कटोरी की शेप कर लेनी है हाथों से। और अब हम डाल देंगे जो मूली का हमने मिश्रण बना के रखे ना लड्डू से, उनको इस तरह से डाल देना है, और ऐसे ही स्टफिंग करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसा करने से पराठे नहीं फटेंगे। ये देखिए, इस तरह से और यकीन मानिए, जो हरे पत्तेदार पराठे बनाएंगे ना, हरे पत्तों वाले, तो बिल्कुल टेस्टी लगेंगे, क्योंकि पत्तों में भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, और उसको फेंक देते हैं तो वो ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता रोटी में, इसलिए पत्तों को भी ले लेना है साथ में। और इस तरह से थोड़ा सा तो हाथ से बेलेंगे, जितना हाथ से बेल सके
आप पहले हाथ से बेलें आराम आराम से, और फिर बेलन का इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले हम हाथ से बेलेंगे तो पराठे फटेंगे नहीं। अगर पहले ही बेलन से बेलने लगेंगे ना तो हल्के से फट जाते हैं और जो पेस्ट भरा है वो बाहर निकल आता है। तो ऐसा करने से जो हमने पेस्ट डाला वो बाहर नहीं निकलेगा, पहले हाथ से बेल के रख लें। वैसे तो मूली के जब पराठे बनाते हैं तो हम पत्तों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज मैं पत्तों का इस्तेमाल भी कर रही हूँ और आप भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं एक और रोटी बेल के दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही करना है जैसे हमने भरा है। और यकीन मानिए पराठे तो सर्दियों में मूली के पराठे एक जान ही होती है, सबको पसंद आते हैं, और बच्चे तो क्या मांग मांग कर खाते हैं, बड़ों को भी पसंद आते हैं, बिल्कुल नरम नरम होते हैं। और ये देखिए एक बार फिर मैंने बेलन से बेल लिया है। मैं पहले इसी तरह से दो तीन बना के तैयार कर लूँगी, और अगर आप चाहें तो सारे पराठे आप पहले इस तरह से बेल के तैयार कर सकते हैं और फिर सेक लें। और यहाँ पर मैंने लोहे का तवा लिया है और एक साइड से अच्छे से पकने के बाद, कच्चे नहीं, जब अच्छे सा कलर आ जाए ना ब्राउन कलर, तब पलटना है और उसके बाद घी लगाना है। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप किसी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे भी अच्छे पराठे बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से तो एक अलग ही चीज़ बनती है, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेंगे। जब आप बना के खाएंगे ना तो वाव ही निकलेगा मुँह से, और आप इनको रूखे भी खा सकते हैं चाय के साथ। इस तरह से दोनों साइड से अलट पलट करके अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेना है। एक तो मैंने पका लिया, अब दूसरा भी इसी तरह से पका लेंगे। एक साइड से पकने के बाद पलट के फिर दूसरी साइड घी लगाना है, और फिर दूसरी साइड पलट के फिर से घी लगाना है। इस तरह से आप सारे पराठे बनाकर तैयार कर लें और एक साथ फैमिली के जितने भी मेंबर हैं आप परोस सकते हो। ये देखिए आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, और मूली के ये पराठे एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। Take care.